दोस्तों इससे पहले हमने मुंबई सिकंदराबाद वाया पुणे लाइन के टॉप 10 रेलवे स्टेशन की लिस्ट बना चुके हैं। अभी इस वीडियो में वाया मनमाड़ के टॉप 10 रेलवे स्टेशन जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वाइपर। दोस्तों इस चैनल पर नया और इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए के अंदर चल के आज कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों इस रूट में एक ही देवगिरी एक्सप्रेस चलती है जो एक डेली रनिंग ट्रेन है। ये रेलवे रूट महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य से ही जाता है। मैक्सिमम ये रूट महाराष्ट्र राज्य से जाता है। इस रेलवे लाइन पर टोटल 181 रेलवे स्टेशन है। इस रूट का डिस्टेंस एंड टू एंड 880 किलोमीटर का है, जिसे ट्रेन 17 घंटों में तय करती है। इस लाइन के सारे रेलवे स्टेशन को सेंट्रल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ही ऑपरेट करते हैं अलग अलग डिवीजन के साथ। तो दोस्तों इसी तरह की और अन्य रूट पर भी वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें उस रूट का नाम। तो चलिए दोस्तों जानते हैं टॉप 10 की लिस्ट बॉटम से लेकर टॉप तक। नंबर 10 दोस्तों, इस रैंक पर औरंगाबाद और जालना रेलवे स्टेशन है। दोनों रेलवे स्टेशन पर सेम नंबर ऑफ ट्रेन का ट्रैफिक होता है, इसी के चलते इन्हें एक ही रैंक पर रखे हैं। दोस्तों जालना मराठवाड़ा रीजन का एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र राज्य का, जिसे साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीजन के साथ ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। दोस्तों जल्द ही जालना जंक्शन होने वाला है क्योंकि जालना से सेगांव लाइन का वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन में। इस रेलवे स्टेशन से 4 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 56 ट्रेन का हॉल्ट होता है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन भी मराठवाड़ा रीजन का रेलवे स्टेशन है, एक बिजी रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र राज्य के। साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म और इस रेलवे स्टेशन से 4 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 57 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 9 निजामाबाद जंक्शन। दोस्तों ये तेलंगाना राज्य का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1905 से शुरू किया गया था। साउथ सेंट्रल रेलवे हैदराबाद डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म और इस जंक्शन से निजामाबाद पेड़ापल्ली लाइन, निजामाबाद मुदखेड़ लाइन, निजामाबाद सिकंदराबाद लाइन और निजामाबाद बोधन लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 6 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 65 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 8 दोस्तों, इस रैंक पर परभनी जंक्शन और इगतपुरी रेलवे स्टेशन है। दोस्तों परभनी सिटी का सेकंड मेन रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र राज्य का, जिसे 1860 से शुरू किया गया था। साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी काफी अच्छी खासी है भारत के बड़े रेलवे स्टेशन का। इस रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म और इस जंक्शन से परभनी पूर्णा लाइन, परभनी मनमाड़ लाइन और परभनी लातूर लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से एक ही ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 75 ट्रेन का हॉल्ट होता है। इगतपुरी रेलवे स्टेशन दोस्तों ये नासिक डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र राज्य का। सेंट्रल रेलवे मुंबई सीएसएमटी डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म और इस रेलवे स्टेशन से एक ही ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 77 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 7 पूर्णा जंक्शन। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य के परभनी डिस्ट्रिक्ट का एक इम्पोर्टेंट और बिजी रेलवे स्टेशन है, जो पूर्णा सिटी को सर्व करता है। साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म और इस जंक्शन से पूर्णा अकोला लाइन, पूर्णा परभनी लाइन, पूर्णा निजामाबाद लाइन जाती है इस रेलवे स्टेशन से। इस रेलवे स्टेशन से 8 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 100 से भी ज्यादा ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 6 हुजूर साहेब नांदेड़ रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1905 से शुरू किया गया था। साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी काफी अच्छी खासी है भारत के अन्य रेलवे स्टेशन तक, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन तक इस रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी है। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। इस रेलवे स्टेशन से ऑल ओवर इंडिया 24 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और इस लाइन से मुंबई और सिकंदराबाद के बाद इस रेलवे स्टेशन से सबसे ज्यादा ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 80 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 5 नासिक रोड रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य का रेलवे स्टेशन है, जिसे 1862 से शुरू किया गया था। सेंट्रल रेलवे भुसावल डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। इस रेलवे स्टेशन से एक ही ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 142 ट्रेन का हॉल्ट होता है इस नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर। नंबर 4 मनमाड़ जंक्शन। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य के नासिक डिस्ट्रिक्ट का एक इम्पोर्टेंट और बिजी रेलवे स्टेशन है, जिसे 1866 से शुरू किया गया था। सेंट्रल रेलवे भुसावल डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और इस जंक्शन से मनमाड़ जलगांव लाइन, मनमाड़ कल्याण लाइन, मनमाड़ दौंड लाइन और मनमाड़ परभनी लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से 4 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 210 ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 3 दोस्तों, इस रैंक पर कल्याण जंक्शन, ठाणे और दादर रेलवे स्टेशन है। तीनों रेलवे स्टेशन को सेंट्रल रेलवे मुंबई सीएसएमटी डिवीजन के साथ ऑपरेट करता है। तीनों रेलवे स्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ सबर्बन यानी कि लोकल ट्रेन को भी सर्व करते हैं। तीनों रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र राज्य के हैं। ठाणे रेलवे स्टेशन को 1853 से शुरू किया गया था। इस रेलवे स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म और डेली 300,000 से भी ज्यादा पैसेंजर्स का ट्रैफिक रहता है। इस रेलवे स्टेशन पर डेली लोकल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में 500 से भी ज्यादा ट्रेन का हॉल्ट होता है। दादर रेलवे स्टेशन को
को 1856 से शुरू किया गया था। इस रेलवे स्टेशन पर 14 प्लेटफॉर्म्स और डेली 3 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स का ट्रैफिक रहता है। इस रेलवे स्टेशन से 16 लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली सबर्बन यानी कि लोकल और लॉन्ग डिस्टेंस में 500 से भी ज्यादा ट्रेन का हॉल्ट होता है। कल्याण जंक्शन को 1854 से शुरू किया गया था। इस रेलवे स्टेशन पर 8 प्लेटफॉर्म्स और डेली 4 लाख से भी ज्यादा का पैसेंजर ट्रैफिक रहता है। इस रेलवे स्टेशन से कल्याण मुंबई लाइन, कल्याण मनमाड़ लाइन और कल्याण पुणे लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन पर डेली लॉन्ग डिस्टेंस में 450 से भी ज्यादा ट्रेन और लोकल में 500 से भी ज्यादा ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 2 सिकंदराबाद जंक्शन। दोस्तों ये तेलंगाना राज्य के हैदराबाद का रेलवे स्टेशन है जिसे 1874 से शुरू किया गया था और हैदराबाद का सबसे बिजी और मेन और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद जंक्शन ही है। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म और इस जंक्शन से सिकंदराबाद वाड़ी लाइन, सिकंदराबाद काजीपेट लाइन, सिकंदराबाद गुंटूर लाइन, सिकंदराबाद गुंतका लाइन और सिकंदराबाद निजामाबाद लाइन जाती है। इस रेलवे स्टेशन से ऑल ओवर इंडिया 74 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 250 से भी ज्यादा ट्रेन का हॉल्ट होता है। नंबर 1 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य के मुंबई सिटी का रेलवे स्टेशन है जिसे 1853 से शुरू किया गया था। सेंट्रल रेलवे मुंबई CSMT डिवीजन के साथ इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है। इस रेलवे स्टेशन पर 18 प्लेटफॉर्म है और ये रेलवे स्टेशन भारत के हर रेलवे स्टेशन से वेल कनेक्टेड है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ चारों दिशाओं में इस रेलवे स्टेशन पर से ट्रेन जाती है और आती है। इस रेलवे स्टेशन पर डेली 1 मिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर्स का ट्रैफिक रहता है यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स का ट्रैफिक रहता है। डेली 1000 से भी ज्यादा लोकल ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और डेली 200 से भी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेन ऑरिजिनेट होती है इस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों ये रही सारी इन्फॉर्मेशन टॉप 10 रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद मुंबई रेलवे रूट की वाया मनमाड़ की। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पर नए और इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।